हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल मोहन ब्लॉग G7 में। और आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती के अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर। तो दोस्तों, किस तरह से हमारा अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा, इसको लेकर अभी तक लोगों में काफी शंका है, मेरे नर्सिंग साथियों में काफी शंका है इस बात को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको कि आज किस तरह से आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र तैयार करवाना है और कहाँ इसके लिए जाना पड़ेगा, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उस सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से डिटेल देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो इसमें सबसे पहले आपको बात बता दूं कि जो परिशिष्ट है नई विज्ञप्ति के माध्यम से जो जारी किया गया है हाल फिलहाल में शिखो द्वारा, तो दोस्तों उसमें किस तरह से क्या क्या डिटेल्स उसमें बननी होगी और किन किन डॉक्यूमेंट्स को उनके साथ लगाना होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस बात से अवगत करा देता हूं कि जो भी हमारा परिशिष्ट ए है उसकी 3-4 कॉपी निकलवाकर अपने पास सुरक्षित रखें। दोस्तों, जैसा कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया कि संबंधित पद के लिए आवेदन करने के अंतिम दिनांक 5 दिवस पूर्व तक ही इस कार्यालय से अनुभव शुद्धि संशोधित प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन के साथ आवश्यक रूप से लगाने हैं आपको। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है ए पॉइंट, उसमें आपको ध्यान से रीड करना है और मेरी बात को भी ध्यान से समझना है कि किस तरह से आप ये कर सकते हो। तो दोस्तों, अनुभव हेतु प्रार्थना पत्र जिसमें आवेदक का मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से लिखा जावे, और जो अनुभव के लिए प्रार्थना पत्र जो आप लिखने वाले हो उसकी बहुत ही अच्छी कॉपी मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको, इमेज के माध्यम से मैं आपको स्क्रीन पर बता दूंगा किस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी है या टाइप करवानी है, जैसी भी आपकी इच्छा करे वैसे करना। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 में आप पढ़ो कि पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति। तो दोस्तों, जो ब्लॉक खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जो सेक्टर से, मतलब जो भी CSC PSC जहां से आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुआ था और उसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के वहां से जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुआ था, उनमें से उनकी प्रति आपको उनकी फोटोकॉपी करवाकर इसी के साथ में ऐड करनी है, अटैच करनी है। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी मेन चीज है, जिसका भी RNC रिन्यू हो गया है या एक्सपायर हो गया है, तो उसको रिन्यू करवाने के लिए आप प्रोसेस आगे डाल सकते हो। बाकी जो आपका RNC प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो इसके साथ आपको ऐड करनी है फोटोकॉपी, ठीक है। और उसी के साथ जो चौथा पॉइंट है उसमें है कि जहां आपने काम किया है, जिस सेक्टर में आपने काम किया है, चाहे वो CSC हो चाहे DSC हो, तो वहां के जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है, जो MOIC है, उनके द्वारा जो प्रदान किया गया था पूर्व में, वो भी आपको लगाना है। और उसी के साथ साथ जो नवीनतम निर्धारित पत्र जो विज्ञप्ति के अंदर ऐड किया गया, तो उसका मूल परिशिष्ट है आपको भर के और वो MOIC से सबमिट करवाना है। उसके बाद आपको जो भी आपके दस्तावेज हैं, जैसे आपकी तकनीकी मार्कशीट JNM BSC नर्सिंग की, ठीक है, वो आपको ऐड कर देनी है। और इसी के साथ साथ जो आपका रोस्टर था, अटेंडेंस शीट जो थी आपकी, वो आपको स्वयं प्रमाणित, खुद से प्रमाणित करके जितने भी दस्तावेज हैं आपके जो साथ में लगाने हैं वो सब आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें इस बार ज्यादा बखेड़ा होने वाला है नहीं, क्योंकि CMHO के कई बाबू ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि ब्लॉक ऑफिस से ही आप लोगों का काम संभव है, ब्लॉक ऑफिस से ही GD को ये प्रेषित कर दिए जाएंगे, वहीं से बनके आपका अनुभव प्रमाण पत्र आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट जो कहा गया है इसके अंदर, कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, तो उनके लिए वही गाइडलाइन रहने वाली है जो अपने लिए रही थी उस टाइम, कि हमने अनुभव प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन प्रार्थना पत्र लिखा था, आवेदन का मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ उसके अंदर ऐड किया था, RNC RPMC फार्मेसी काउंसिल जो भी थी आपकी, वो रजिस्ट्रेशन उसकी फोटोकॉपी आपने लगाई थी साथ में, और जो संबंधित सेक्टर के जो चिकित्सा अधिकारी है MOIC, तो उससे आपने सबमिट करवा के उन अनुभव प्रमाण पत्र को मेरे साथ लगाया था। और 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट थी, तकनीक योग्यता, आपकी BSC नर्सिंग GNM और आपका आधार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जिसकी भी कॉपी आपने लगाई है, ठीक है, वो सब दोबारा से लगने वाली है और समस्त दस्तावेज स्वयं प्रमाणित होने चाहिए। तो दोस्तों, जो जब भी आप ये नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हो, तो ये सब जो डॉक्यूमेंट है वो साथ लेकर अवश्य उससे जाए और इस चीज को सबमिट करवाए। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप देखने वाले हो किस तरह से एक अनुभव प्रमाण पत्र की प्रोसेस रहने वाली है, और जो मूल परिशिष्ट ए है वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार का वो रहने वाला है। आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरह का वो रहने वाला है। बाकी इसकी एक एक डिटेल हम आपको बता देंगे, किस तरह भरा जाएगा, किस तरह MOIC से सबमिट होगा और किस तरह से BCMO ऑफिस से ये सबमिट होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें।
दोस्तों बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहने वाला है और इस तरह की एप्लीकेशन ही आप अपने जो भी ब्लॉक खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनको प्रदान करनी है। इस एप्लीकेशन में कुछ मस्ट ऐसी चीजें लिखी हुई है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो आपको जरूर ऐड करनी है। चाहे आप हाथ से लिखो, चाहे इस तरह की एक एप्लीकेशन आप प्रिंट करवा सकते हो, या इसकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आप इसके लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और एप्लीकेशन को हम, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको जो एप्लीकेशन लिखनी है वो आपके जो भी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनको लिखनी है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज ध्यान रखनी है और उसमें लिखना है अनुभव प्रमाण पत्र चाहने हेतु। तो दोस्तों आपको लिखना है उपयुक्त विषय अनुसार नम्र निवेदन है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ग्रुप दो आदेश क्रमांक प्रश्न एक विश्व ग्रुप 2/2020 कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो भी आपका जिला है वो आपको ऐड करना है, और उसके जो आदेश निकले थे भर्ती के वो आपको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और डेट भी आपको मेंशन करनी है। उसके अलावा जो आपके कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो आपको पदस्थापित किया गया था और जो आदेश निकाले गए थे वो आदेश विद डेट आपको इस चीज में सबमिट करनी है, और उसमें जिले की जो अंतिम सूची में आपका क्रमांक था, आपका वर्ग था, और ब्लॉक चयन सूची में जो क्रमांक था आपको पदस्थापन को लेकर, ठीक है, तो वो भी विवरण आपको इसमें दर्ज कर देना है। साथ ही साथ आपको जो प्रार्थी है आप, ठीक है, तो आपने किस राज्य की स्वास्थ्य केंद्र पे या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर सीसीएससी जो भी है उन पर आपने काम किया और किस पद पे किया, कोविड स्वास्थ्य सहायक के पद पे किया, तो ये भी आपको उसके अंदर मेंशन करना है। और डेट एज इट इज आपको उसके अंदर लिख देनी है कि इस डेट से इस डेट तक आपने वहां काम किया है, ठीक है। और कुल कार्य अवधि जितनी भी थी आपकी, 0 वर्ष, कुछ माह, दिवस, जो भी एक्स वाई जेड जो भी था वो आपको ऐड कर देना है। उसी के साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन पर हम आ रहे हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन में आपको एप्लीकेशन के अंदर ये जरूर ऐड करना है जो हमारे अभी विज्ञप्ति में भी एज इट इज ऐसे कैसे आया था, तो उसमें भी आपको लिखना है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में 4/5/2023 को जारी बोनस अनुभव प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश क्रमांक राजपत्रित भर्ती प्रकोष्ठ नर्स 2F1024-2023572 के अनुसार कोविड 19 में दिनांक 22 मार्च 2020 से 13 फरवरी 2022 के दौरान कार्यरत रहे हैं अथवा वर्तमान में कार्यरत नहीं है को 15% बोनस अंक देने का प्रावधान दिया है। अतः प्रार्थी की ज्वाइनिंग कोविड 19 के दौरान ही उसकी रोकथाम हेतु हुई थी। वह हमारी योग्यता जीएनएम व बीएससी नर्सिंग या एनएम जो भी मांगी गई थी वो हमारे द्वारा संपादित किया गया कार्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन एक्सपीरियंस के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यही होने वाली है कि हमारे द्वारा संपादित किया गया कार्य विज्ञापित पद जो कि वैक्सीन सर्वे टीकाकरण कोविड रोकथाम नर्सिंग कार्य कोविड प्रबंधन था उसके समान रहा है। तो यही एक मात्र ऐसी चीज है कि संपादित किया जा रही है क्या विज्ञापित पद के समान है, तो इसमें आपके हाँ होना जरूरी है अनुभव प्रमाण पत्र के अंदर। आप इसका फॉर्मेट स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरह से इसके अंदर ऐड किया हुआ है, सेम एज इट इज इसी तरह का अनुभव प्रमाण पत्र आपका बनने वाला है। और उसके बाद आपको लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर सीटी भर्ती 2023 में अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने हेतु इस दिनांक से इस दिनांक तक जो भी आपने कार्य समय रहा है आपका उसका अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें। फिर आपको डिटेल लिख देनी है अपनी, लेकिन मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से आपको भरना है, ये चीज इन्होंने आदेश के अंदर ही पहले ही मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके अलावा आपको जो संलग्न दस्तावेज करने हैं उसका विवरण भी आपको अगले पेज पर, जैसे अगर इस पेज से खाली हो तो इसको आपको लिख देना है दस्तावेज संलग्न विवरण अगले पेज पर। और उसी के साथ आपको जो जो दस्तावेज संलग्न करने हैं उनमें जब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, जिनके पहले अनुभव प्रमाण पत्र बन चुके हैं वो आवश्यक रूप से इस बात पर ध्यान देवें कि उन्हें क्या क्या लगाना है। तो उन्हें जो दस्तावेज संलग्न करने हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि जो पहला पॉइंट है अभ्यर्थना आवेदन पत्र जो मैंने आपको बताया ये एप्लीकेशन जो है। सेकंड है आपका पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति, या तो आपका जिला चिकित्सा मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुआ था जीडी द्वारा पूर्व में जो अनुभव प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया है उसकी एक कॉपी आपको इसके साथ लगानी है। उसी के साथ आपको आरएनसी का जो रजिस्ट्रेशन है आपका उसकी एक कॉपी आपको लगानी है। उसके अलावा चिकित्सा अधिकारी पर भरी, दोस्तों ध्यान रखिएगा सीएससी पीएससी जहां भी आपने काम किया जिस सेक्टर में आपने काम किया है उससे जो अनुभव प्रमाण पत्र का परिशिष्ट ए है उसको भर के पूर्णतया सावधानी के साथ और सबमिट करवाना है आपके एमओआईसी से, उसके आपको कॉपी भी लगानी है इसी के साथ, ठीक है। जो मूल परिशिष्ट ए है अनुभव प्रमाण पत्र का उसकी आपको कॉपी लगानी है, अनिवार्य है इसके अंदर। और आपको जो आरण वितरण अधिकारी द्वारा जो आपकी सैलरी स्लिप बनाई गई थी पिछले अनुभव के अंदर तो उसके अंदर भी जो आपका भुगतान पत्र था
मानदेय भुगतान पत्र जो भी था आपका, जितनी अवधि से लेकर जितनी अवधि तक, वो आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। उसकी एक कॉपी आपको आवश्यक रूप से लगानी है, यदि आपके पास पिछली कोई पीडीएफ वगैरह पड़ी हो तो वो जरूर लगा देना। उसके अलावा आपको जो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी है उनके द्वारा प्रमाणित या स्वयं प्रमाणित, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि वो आपको प्रमाणित करके दे, आप प्रमाणित या तो करवा लीजिए या सेल्फ आप अटेस्टेड करके आप उसकी जो उपस्थिति पत्रक है, अटेंडेंस शीट है, वो आप इसके साथ लगा सकते हो। उसके अलावा जो समस्त दस्तावेज मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर 10वीं 12वीं और तकनीकी वर्षों की अंकालिका की जरूरत पड़ेगी। बाकी जो भी मूल दस्तावेज हैं वो आपको लगा देने हैं और ये चीज आपको आपके खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक को जमा करवानी है ताकि वो जल्द से जल्द आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनवाकर आपको दे सके और आप नर्सिंग भर्ती 2023 के अंदर अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। जितना हो सके उतना ज्यादा ही इस वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों तक इस चीज की जानकारी पहुंच सके कि किस प्रकार हमारे 15% बोनस जो कोविड स्वास्थ्य सहायकों को मिलने वाला है उसके अंदर हम अपना एक काम करवा सके। तो दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का वीडियो के माध्यम से जुड़ने के लिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब बटन नीचे है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लेके आता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।